कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, पार्टी में अगर रह रहा है तो पार्टी के विरुद्ध अगर जाता है तो या तो उसको निष्कासित कर दें। प्रकार को छोटा छोटा पार्टी को तोड़ना है और उसी में से तोड़ को हम अपने आप में लेना है। आरसीपी सिंह पहले नीतीश कुमार का गुणगान करते थे, अब जो है वो अपना गुणगान बीजेपी को। नियम होना चाहिए, 5 साल कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं होना चाहिए। कमजोर वो समझ रही है कि यही कमजोर है, इसी पर धक्का मारेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ये सब फालतू बात है। आरसीपी सिंह अपना उतना आनंद ले लिए, अपना किनारे हैं। दो महिला एक साथ अगर बैठा दिया जाए और बात नहीं करे तो ये सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है। सब लोग एक ही पार्टी में हैं, सब लोग मिलजुल के हैं, सब लोग साथ हैं। थे आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। जब भी कुछ होता है हलचल कोई भी पार्टी में तो उसमें जनता का भी ओपिनियन जानना जरूरी होता है। अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है जदयू में, आपने देखा है कि कैसे बीमा भारती ने कई बार आरोप लगाए लेसी सिंह पे और लास्ट में फिर लेसी सिंह ने भी, उन्होंने भी चुप नहीं बैठा, मानहानि का दावा भी कर दिया 5 करोड़ का। हालांकि दोनों के बीच में मामला को भी शांत कर दिया गया है, लेकिन यहां पे सवाल ये उठते हैं कि आखिर एक ही पार्टी के दोनों हैं और दोनों महिला हैं, एक दूसरे पर इस तरह से क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्यों मतलब दुश्मन बने हुए हैं, और असर जनता पे पड़ेगा, चुनाव पे पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, थोड़ा सा जनता का ओपिनियन भी जान लेते हैं, जनता क्या कुछ कहते हैं इस मामले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन जी, मुझे आपको सुन ही रहे होंगे जिस तरह से लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच में हो रहा है, एक ही पार्टी के दो महिला हैं, वो अभी महिला कैंडिडेट एक ही जगह से भी हैं, अलग अलग थोड़ा सा गर्व मतलब एक ही है उन लोगों का, और ये जो माहौल बना हुआ है तो पार्टी पे भी असर पड़ेगा, जनता पे भी असर पड़ेगा, चुनाव पे भी असर पड़ेगा। देखिए मैडम, इसका सीधा सीधा असर तो पड़ेगा ही, कुछ होता है उसका असर पड़ता है, लेकिन इसमें मुक्त होना चाहिए, सरकार को भी तत्पर रहना चाहिए। सरकार सारा आदमी को मंत्री नहीं बना सकता है, तो एक को मंत्री बनाए तो चाहती है कि हम भी मंत्री रहे, खुद पहले भी मंत्री रह चुकी है, उसमें वो काम की नहीं कि उसको पब्लिक का हम लोग तो उतना बता नहीं सकते हैं क्या की, लेकिन ज़्यादातर उनको है कि हम मंत्री क्यों नहीं बने, पहला मुद्दा हो गया। और दूसरा मुद्दा इस पर होना चाहिए कि सरकार को चाहिए इस पर एक नियम बनाना चाहिए कि कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, पार्टी में अगर रह रहा तो पार्टी के विरुद्ध अगर जाता है तो या तो उसको निष्कासित कर दें, और नहीं तो आप उसको पार्टी से रखिए नहीं, निष्कासित कर दीजिए। और इसमें अभी का जो परिस्थिति बना हुआ है, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, सारा मुद्दा एक तरफ किए हुए हैं, किसी प्रकार को छोटा छोटा पार्टी को तोड़ना है और उसी में से तोड़ को हम अपने आप में लेना है। मतलब ये दूसरे लोग उनको हवा दे रहे हैं, बीमा भारती को। हाँ, बीमा भारती को दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पुश कर, आरसीपी सिंह को हवा दे, हाँ पुश कर रहे हैं, देख रहे हैं। आरसीपी सिंह पहले नीतीश कुमार का गुणगान करते थे, अब जो है वो अपना गुणगान बीजेपी को, खुद नहीं, खुद अपना नहीं करते हैं, कहीं सपोर्ट मिलेगा तभी करते हैं। नेतागिरी जो होता है इतना अभी घटिया स्थिति हो गया है, 2014 से आप देखिएगा उठा के, 2014 से ये स्थिति हो गया है राजनीति का कि मतलब पब्लिक के मुद्दा को नहीं उठाना है, सिर्फ जो जीत के आ गया उसी में से तोड़ जोड़ के हम अपना बरकरार रखेंगे। तो मतलब ये लोग के लिए भी एक नियम होना चाहिए, कैसे हाँ। बॉन्ड लिखाया जाता है हाँ। नौकरी में कि आप यहाँ से गए हाँ। बस ये नियम होना चाहिए। वो लोग का भी नियम होना चाहिए कि 5 साल या 4 साल तक आप लोग रहिए। हाँ, 5 साल, 5 साल पार्टी में रहिए, नहीं तो आप पार्टी से उसको निष्कासित कर दीजिए। और नियम होना चाहिए 5 साल कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये होगा नहीं इसलिए कि जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका तो सबसे ज़्यादा मानसिकता घटिया हो गया है कि पहले ऐसा नहीं था, था कुछ कम था, लेकिन आज की डेट में जितना हुआ है उसको आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा बताइए, एक ही मतलब पार्टी के दो महिलाएं लड़ रही है, घर में भी महिलाएं लड़ती है, पार्टी में भी जाके महिलाएं लड़ रही है। देखिए, महिला से नहीं, अच्छा महिला समाज पे थोड़ा सा गंदा असर तो पड़ रहा है, बोला कि महिला को यहाँ पे सीट दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, बताइए वहाँ जाके दोनों झगड़ा। हाँ, इसका असर महिला पे पड़ेगा, वोट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वोट में तो सारा का मुद्दा है, विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ये मुद्दा है, सड़क चाहिए, जो भी है, इसका महिला से कोई नहीं। महिला जो एक रूप आज बना हुआ है ये सब प्रोपेगेंडा है, इसको कुछ। एक और सवाल है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए वो भी ये कर रही है, तो और भी तो मंत्री हैं, लेसी सिंह पे ही क्यों कर रही है? हाँ, उसके पीछे रीजन है, लेसी सिंह को जब तक वो नहीं करेंगे, टारगेट करेंगे तो उन्हीं के इर्द गिर्द का क्षेत्र का ये है, तो ये चाहते हैं कि जब ये मंत्री बन गए, हम मंत्री नहीं हैं, तो मेरा फिर आने वाला चुनाव में दिक्कत होगा। आपसी भी कुछ दुश्मनी है क्या? नहीं, आपसी तो हम उतना पर्सनली नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या आपसी दुश्मनी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन
किसी के द्वारा पुश किए हुए वो अपना। अच्छा, आप लोग का क्या लग रहा है क्या इसी पे जो बात कहे हैं सही बात कहे हैं? सही बात बोले हैं। दूसरे लोग हवा दे रहे हैं। वही विपक्षी लोग दे रहे हैं, दूसरा कौन देगा हवा? तो बीमा भारती को सिर्फ लेसी सिंह मंत्री ही क्यों दिखाई दिया, उसी को बार बार क्यों कर रही है आपराधिक ये गढ़ बनाई हुई है? मतलब क्या वैसी है लेसी सिंह? कमजोर वो समझ रही है कि यही कमजोर है, इसी पर धक्का मारेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब तो शांत करवा दिया गया, क्या लग रहा है माहौल शांत रहेगा? नहीं, शांत रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारती के बीच में जो हो रहा है माहौल, थोड़ा सा एक ही पार्टी के लोग इस तरह से करते हैं तो समाज पे भी थोड़ा असर पड़ता है। कहाँ कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। बीमा भारती आरोप लगा रही है लेसी सिंह, मानहानि का 5 करोड़ का दावा भी कर दी। ये आप लोग छापते हैं, आप लोग अपना ढंग से छापते हैं, उसमें क्या सच्चाई है बाद में पता। तो लेसी सिंह बोली कि मेरे तरफ से अब ये ले लिया गया है वापस, अब नहीं है, यानी कि था तभी तो। अरे बोलने से क्या होता है, कागजी क्या आता है, रिजल्ट देखा जाएगा। आपको नहीं उसके बारे में पता है? पता कागजी जैसे आप पढ़ के बता रहे हैं वैसे पेपर में हम भी पढ़े हैं। ये बताइए कि माहौल क्या बनेगा, समाज को क्या असर पड़ेगा? कोई झूठ बोले तो उससे समाज थोड़े तवज्जो देगी। कोई तो कह रहे हैं कि बीमा भारती को विपक्षी वाले भड़का रहे हैं। कोई ना कह रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि विपक्षी क्यों भड़काएगा बीमा भारती को। अच्छा। कोई भड़का अड़का नहीं, आरसीपी सिंह को भी तो विपक्षी भड़का है। ये सब फालतू बात है, आरसीपी सिंह अपना उतना आनंद ले लिए, अपना किनारे हैं, आनंद ले लिया और क्या। मंत्री बन गए, एमपी बन गए, दिल्ली के प्रधानमंत्री के साथ उतना बड़ा मंत्रालय चलाए, अपना आप थोड़ा ओल्ड एज है, किनारे हैं, क्या दिक्कत है? इसलिए हैं एक दूसरे पे इस तरह से आखिर बीमा भारती क्यों आरोप लगा रही हैं? पहली बात तो है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज जो शास्त्रों में लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि दो महिला एक साथ अगर बैठा दिया जाए और बात नहीं करे तो ये सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है। तो लेसी सी और बीमा भारती दोनों महिला हैं, दोनों का अपना अपना कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित समस्याएं रही है, इसी पर वाद विवाद करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों का निदान कर देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात समस्या नहीं है। मानहानि का दावा किया गया, वो सब पार्टी स्तर से अखबार में बयान आया है आज कि पार्टी देख रही है, और लेसी सिंह ने कहा कि मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं किया, आज तो अखबार में आया है। दोनों का पैचअप हो जाएगा। नेतृत्व के पास जब कोई समस्या जाएगा, घर के मुखिया के पास कोई जाएगा, ये स्वाभाविक बात है, संयुक्त परिवार क्यों टूटा? अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब बाहरी हवा दिया जा रहा है, बाहर के लोग जो विपक्षी वाले हैं वो इस तरह से कर रहे हैं? देखिए, सुरेंद्र मुनि के यही सब रीति, स्वार्थ लाही कर ही सब प्रीति। शास्त्र में कहा तुलसीदास जी ने, सुरेंद्र मुनि के यही सब रीति, स्वार्थ लाही कर ही सब प्रीति। लेकिन समाज में अभी भी बहुत लोग पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, जो न जाति मानते हैं न धर्म मानते हैं, सिर्फ विकास और प्रेम को अपना करके चलते हैं। लेकिन अभी भी लोग दैत्य और दानव का, आपने सुना कि समाज से समुद्र से मंथन में अमृत निकला, तो राक्षस वर्ग के लोग भी अमृत मंथन में साथ थे, और उन्होंने भी गलती से भेष बदल करके राहु केतु जो है अमृत पान किया। तो राक्षसी प्रवृत्ति किसको कहते हैं? हमारा निगेटिव थिंकिंग जो है यही राक्षसी प्रवृत्ति है। हम विकास के, हमारा भाई विकास कर रहा है हम उससे जल रहे हैं, हमारा कोई पार्टी सरकार विकास का काम कर रहा है उससे जल रहे हैं। आप विकास को विकास तो कहो, उसके निगेटिव थॉट जो है उसको कहो, कहना चाहिए। कोई भी सरकार हो उसके निगेटिव पक्ष को रखिए, लेकिन हर बात में पार्टी अलग है विपक्ष में है इसलिए विरोध करना, यह नैतिकता के बिल्कुल विरुद्ध बात है। जुड़े हुए हैं इन लोगों से बात कर लेते हैं। मेरा एक सवाल है, अभी जो लेसी सिंह और बीमा भारती में जो हो रहा है एक ही पार्टी के, और इस तरह से एक दूसरे पर मतलब आरोप लगाना, मानहानि का दावा करना, क्या लग रहा है जदयू में क्या हो रहा है, समाज पे क्या असर पड़ेगा? हम लोग तो जो राजनीतिक परिचर्चा है उस परिचर्चा में यही लोग गेन कर रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और आपस में अगर विवाद किए हैं तो आज ही न्यूज़ में के आफिलो के माध्यम से पता लगा कि दोनों में सुलह भी हो गया। तो घर में, हाँ घर में जो लड़ाई होता है तो आज झगड़ा कल सुलह हो जाता है, इसमें विशेष तो कुछ कहने या सुनने की ज़रूरत है नहीं।
समाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाव पे नहीं असर पड़ेगा, चुनाव पे असर भी नहीं पड़ेगा और समाज पे भी असर नहीं पड़ेगा। भारती लेसी सिंह पे ही क्यों आरोप लगा रही है? इसलिए कि जो जब से करीब होता है उसी पर आरोप लोग प्रत्यारोप करता है, दूसरा पर क्यों करेगा? दूसरा पर छींटा कसी करना नहीं करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो आप अगर आपको हम अपना समझ रहे हैं तो अब आप पर भी कुछ बोल सकते हैं। भाई भाई पर समझ रहे थे आप हमको आतंकवादी बोल रहे हैं? आतंकवादी कुछ बोल सकते हैं, अगर भाई के भाई का भाई अगर प्रेम है तो सब कुछ होता है। भाई अगर भाई का दुश्मन में बदलता है तो उसके विकास पे वो मतलब खड़ा उतरता है कि और भी चलो विकास करो, थोड़ी ना पैर खींचने वाला। ये तो उनके सोच में, उनका सोच का देन है, इसको उनके मेंटेलिटी, इनका उनके मेंटेलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले कुछ सोचें हम किस पर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए राजनीति में, किसी के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, व्यक्तिगत छींटा कसी, ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लग रहा है आप लोगों? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है मैडम, समझी कि नहीं। वो विवाद होता है क्योंकि एक ही पार्टी में है, मुख्यमंत्री जी का बयान पहले आ चुका था, वो कहीं कुछ नहीं है। कल ललन बाबू माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बैठा के बात कर लिए, सब मामला खत्म है, कहीं कुछ नहीं। सब लोग एक ही पार्टी में है, सब लोग मिलजुल के हैं, सब लोग साथ हैं, कहीं कोई विवाद कहीं आरोप नहीं लगाएंगे। इतना बड़ा आरोप लगा दिया, बोलने के लिए देखिए, एक घर में जब परिवार रहता है तो वो होता ही है, नहीं कुछ भी क्या वो होता है, टंटुन तो होगा, लेकिन फिर फैमिली के मुखिया का काम है कि उसको सलट लेना है, ऐसा कहीं कुछ बात नहीं है। और विवाद तो होता है घर में परिवार में एक साथ रहने पर, लेकिन उसमें अब बोलने बोलने के बात पर है कि किसको क्या बोल दे आदमी, इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना तो नहीं, नहीं ऐसा सबसे ज्यादा अगर मतलब करीबी हैं तो कुछ भी बोल सकती है। नहीं नहीं नहीं, यही तो गलत है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। नहीं, हमने पब्लिक से भी बात की और इस मुद्दे पर कि लेसी सिंह और बीमा भारती में जो चल रहा है क्या यह सही है, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए एक ही पार्टी के लोग हैं तो इस तरह से होता है, लेकिन वाद विवाद को अब बंद कर दिया गया है, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए। बाकी और जो भी पब्लिक कही है वो तो आप भी सुन रहे हैं। चलिए इस पे कितना असर पड़ता है बाद में यह तो वक्त ही बताएगा, और क्या बीमा भारती चुप रहेंगी या फिर से वो कुछ और बोलेंगी। और एक और बात जो पब्लिक कह रही है कि विपक्षी लोग भी इस तरह के काम करते हैं, भड़काने के काम करते हैं, जैसे आरसीपी सिंह को भड़काकर वहां से पार्टी से हटा दिया गया है, हो सकता है विपक्षी लोग का भी यह काम हो। चलिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।